केसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। 18 जून को रणधीर वर्मा चौक से सिटी सेंटर तक भारत स्वाभिमान न्यास के बैनर तले योग जागरूकता रैली निकाली जाएगी। उक्त जानकारी देते हुए जिला संयोजक मंजीत सिंह ने बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय नवा योग दिवस है। इससे पूर्व जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि योग कीजिए, निरोग रहिए। इसी क्रम में शालीमार ग्राउंड में मंजीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम पहुंची, जहां योग गुरु समरेंद्र जी योगाभ्यास करा रहे थे। इस मौके पर उनके साथ प्रभाकर कुमार और मनोज कुमार भी मौजूद थे। महिलाओं ने सभी का फूल मालाओं से स्वागत किया। तत्पश्चात 18 जून को 8 बजे प्रातः योग जागरूकता रैली में भाग लेने की बात कही। आपको बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून का यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसमें उन्होंने कई बातें योग के प्रति कही थी। योग यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आएं एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। यह कहना था संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित भी किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। आपको आगे बताते चलें कि भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 को मनाने के लिए भाजपा के साथ रामदेव ने भी इस आयोजन के लिए खास तैयारियां की थी। विश्व योग दिवस को यादगार बनाने और पूरे विश्व को योग के प्रति जागरूक करने के लिए बाबा रामदेव ने 35 मिनट का विशेष पैकेज तैयार किया था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल होने के साथ ही भारत ने 2 विश्व रिकॉर्ड भी कायम कर लिए हैं। भारत में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, जिसकी तैयारियाँ प्रत्येक वर्ष की जाती हैं और सरकार द्वारा भी की जाती है। योग दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली के राजपथ पर हुआ था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। प्रधानमंत्री राजपथ पर लगभग 36,000 लोगों के साथ योग किया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजपथ के मंच को साझा करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ कुल 6 अन्य लोगों को मौका मिला था। अब आइए सुनते हैं 18 जून को निकलने वाली योग जागरूकता रैली के बारे में क्या है कहना। आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि शालीमार ग्राउंड में आने का उद्देश्य क्या है। मैं भारत स्वाभिमान न्यास जिला संयोजक मंजीत सिंह बोल रहा हूं, और इस शालीमार ग्राउंड में आने का मकसद है कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो 9वें साल का योग दिवस है, इस योग दिवस को पूरे धनबाद जिले में पूरे भव्य रूप के कैसे मनाया जाए, इसी सिलसिले में प्रत्येक शिविर में धनबाद के 5-7 शिविर होते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। तो ये शिविर के माध्यम से 18 तारीख को एक योग जागृति रैली निकाला जाएगी, जो रणधीर वर्मा चौक से सिटी सेंटर तक जाएगी। उसमें उद्देश्य है कि हर व्यक्ति योग करे, हर व्यक्ति योग से जुड़े, क्योंकि आज के दिन में आप सही खाना खा रहे हैं, सही सब्जी ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें स्प्रे है, कहीं ना कहीं खाद डाला हुआ है, कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन है। इस पोल्यूशन से बचने का एक ही उपाय है, योग। अगर योग कीजिएगा तो आपका तन भी स्वस्थ रहेगा, आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए योग को जोड़ने के लिए स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण के संदेश को पहुंचाने के लिए हम लोग घर घर पहुंचते हैं। हमारे साथ जो समरेंद्र जी, ये जिला प्रभारी हैं पतंजलि के, ये भी पूरे जिले में इनका दौरा लगातार चालू रहता है कि हर व्यक्ति योग से जुड़े। योग में कहीं भी अगर दिक्कत है, अगर किसी को जरूरत है, तो हम लोग के पास 1,000 योग शिक्षक हम लोगों ने बनाया है आज 10 सालों में। तो कहीं ना कहीं हम लोग योग शिक्षक को भेज कर भी लोगों की सेवा करने का काम करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद केसीएन टीवी चैनल से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी से ले लीजिए। आप अपना पूरा परिचय देते हुए। मनोज सिंह, मीडिया प्रभारी, भारत स्वाभिमान न्यास, पतंजलि योग समिति। जैसा कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आज हमारा योग दिवस जो है 9 वर्ष का हो चुका है। अभी बाल्यावस्था है, जब युवा अवस्था की ओर हमारा योग दिवस पहुंच रहा है, तो जितने भी धनबाद जिले में हमारी नियमित योग कक्षा है, उन योग कक्षाओं में हमारे जिला प्रभारी आदरणीय मंजीत भैया, प्रभाकर जी जो कार्यालय का कार्य देखते हैं, पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी समरेंद्र जी के साथ हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। जितने नियमित योग कक्षा है वहां पर जाकर के कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे धनबाद जिले में किस तरह से भव्य रूप से मनाया जाए, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और धनबाद वासियों से भी आग्रह है कि योग दिवस के पूर्वाभ्यास, उसके पहले हम लोग 18 तारीख को एक योग जागृति यात्रा बहुत ही बड़े रूप में, बहुत ही बड़ी संख्या में हम लोग रणधीर वर्मा चौक से गांधी सेवा सदन से निकलेंगे हम लोग, और गांधी जी की प्रतिमा तक जाएंगे। वहां उन्हें पुष्पांजलि देते हुए फिर हम लोग गांधी सेवा सदन तक वापस आएंगे। इस यात्रा में शामिल हों और योग की जो उपलब्धि पूज्य स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में जो पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान न्यास कर रहा है, उसको घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्य हम लोग धनबाद जिला में कर रहे हैं। आप भी जहां रहें 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में योग अवश्य करें, और योग की जो उपलब्धि है, जो उसके लाभ है, उसको जरूर सबको बताएं। आप भी अपने चैनल के माध्यम से हमारे संगठन का सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप अपना परिचय दें और बताएं। मैं प्रभाकर कुमार, और अपने पतंजलि परिवार धनबाद जिला का जो भी संगठन का काम है उसके कार्यालय प्रभारी, और एक विशेष जिम्मेदारी दी गई अपने पतंजलि संगठन की तरफ से, वो सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण प्रमुख। अपने धनबाद जिला में जितने भी योग शिक्षक का प्रशिक्षण चलता है उसकी जिम्मेदारी मुझे मुख्य रूप से दिया गया। इसके नेतृत्व में अपने धनबाद में जितने भी योग शिक्षक हैं उसको तैयार करना, उसको पतंजलि के माध्यम से योगा का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से उसको तैयार करना अपनी एक जिम्मेदारी है। आज हम लोग यहाँ पे शालीमार ग्राउंड है जो कि भागा फुसबगला में आप झरिया प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ जिला प्रभारी आदरणीय शमेंद्र जी के नेतृत्व में 365 दिन शिविर चलता है। हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए इस दृष्टिकोण से कि 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पर्व त्यौहार के रूप में अपना पूरा पतंजलि परिवार पूरे भारतवर्ष में इसको मनाता है, और वो भारत ही नहीं पूरे विश्व में 180 देश से ज़्यादा लोग इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हैं, क्योंकि योग भारत की जननी है। भारत के ऋषि मुनियों ने इसे अपने ऋषि मुनियों का रहस्य को इसको हम आम आदमियों के बीच में योग को महत्व को समझा, और अपने स्वामी जी आचार्य श्री जी के पुरुषार्थ से आज पूरे भारत के सभी छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं इसको योग में अपने जन जन तक पहुंच चुका है। लेकिन अभी भी समाज में ऐसे अनेक लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो कि योग को महत्व को समझते हैं लेकिन अपने व्यवहारिक जीवन में उसको ला नहीं पाते हैं। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम लोग योग दिवस से पूर्व 18 जून 2023 दिन रविवार को धनबाद जिला मुख्यालय में रणधीर वर्मा चौक से लेकर एसएसएलएनटी कॉलेज कम्बाइंड बिल्डिंग सिटी सेंटर गोलंबर से वापस फिर गांधी सेवा सदन हम लोग वापस आएंगे। एक करो योग रहो निरोग भारत माता की जय के नारों के साथ एक अपना जयकारा घूमेगा, और इसका उद्देश्य सिर्फ यही रहेगा कि जितने भी लोग अभी तक लोग योग को अपने जीवन में अमल में नहीं लाए हैं उसके महत्व को समझिए, और एक जो शरीर जो प्रकृति का दिया हुआ है इसको स्वस्थ रखने का एक अपना सबसे पहला उद्देश्य होता है, और योग करने से शरीर मन दोनों ही स्वस्थ रहता है। ये जब करेंगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में योगी भाई बहन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, तो इन्हीं के सहयोग से हम लोग योग जागृति यात्रा वहाँ पर लोग निकालेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं निवेदन करता हूँ कि सभी जितने भी भाई बहन हैं अपने समाज में, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे हिंदू है, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक योग धर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। योग धर्म मतलब अपने शरीर का धर्म और राष्ट्र धर्म। आप कोई भी धर्म अपनाएं लेकिन सबसे पहला धर्म योग धर्म है, उसके महत्व को समझते हुए अपने जीवन में योग में लाइए, योग आयुर्वेद को लाइए, और पूरे जीवन को पूरा सुखमय बनाइए। यही आपसे निवेदन है। 18 तारीख को पहुँचे वहाँ पे। धन्यवाद। ओम।
कार्यक्रम से संबंधित कुछ संदेश आप दें। संदेश बस एक ही है, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम कि सारा जहां सलाम करे। बस इस संदेश को लेकर के 18 तारीख को रणधीर वर्मा चौक के पास 8 बजे के पहले पूरे झरिया प्रखंड से भारी बलों के साथ, दल बल के साथ हम लोग वहां पहुंचेंगे और योग जागृति में शामिल होकर के सबको संदेश देंगे। 6,38,365 गांव में ये कार्यक्रम होने वाला है और इसको हम धनबाद में ऐतिहासिक बनाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई और ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।